प्रेज़ द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जिंदा नाम में आप सभी को सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे आप मुझे कहां से भी देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। बहुत लोग इंटेलेक्चुअली इस बात को समझ लेते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि प्रभु मुझसे प्यार करता है, बट फिर भी उनके दिल इनसिक्योर हैं, फिर भी वो अपने आप को असुरक्षित, अकेला, कई बार हेल्पलेस फील करते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम सुन रहे हैं वो हमने समझने के बाद उसे एक्सपीरियंस किया है नहीं किया है, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए किसी लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि वो हमसे प्यार करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है, उसने आपको आज तक अकेला नहीं छोड़ा है। अगर उसने आपको छोड़ दिया होता तो आप जीवित नहीं रहते। हम जीवित हैं इसलिए क्योंकि वो जीवित है, उसने हमें ज़िंदा रखा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी शक न करें परमेश्वर के प्रेम के ऊपर। पॉल कहता है, चाहे जिंदगी हो, चाहे मौत हो, चाहे स्वर्गदूत हो, चाहे प्रधानताएं हो, कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। बहुत बार जब परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो हम अपने आप में सोचते हैं कि हम बुरे हैं, हम अच्छे नहीं हैं, खुदा हमसे कैसे प्यार करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपको उसने बुलाया तब हम कौन से अच्छे थे? हम वर्स्ट थे, बुरे थे, गंदे थे हम, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो खुदा आज भी आपसे प्यार करता है। शैतान की किसी झूठी बात पर विश्वास करके उसके प्रेम पर शक न करें। आज मैं वीडियो नंबर 71 को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं, इस चैनल का नाम है बेसिक टीचिंग्स, बुनियादी शिक्षाएं, द फंडामेंटल ट्रुथ्स ऑफ द बाइबल। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, जैसे कि मैं बाइबल को कैसे पढूं ब्रदर, प्रेयर कैसे करूं, राइट चर्च कौन सी है, राइट लीडर कौन सा है, प्रभु बोझ कैसे लिया जाता है, बपतिस्मा क्या है। ऐसे तमाम सवाल जो लोगों के अंदर होते हैं, मैंने कोशिश की है, प्रभु की आत्मा से अगुवाई पाकर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको संतुष्ट आंसर दूं। और इससे पहले मैंने 70 वीडियो अपलोड किए हैं। आप चाहें तो आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। हर एक के साथ एक आर्टिकल भी जुड़ा हुआ है, इवन आज वाले वचन में भी आर्टिकल है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ जो इस समय मेरे सामने खुला हुआ है, मत्ती का 28 अध्याय के अंत में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम में से बहुत सारे लोग जब प्रभु में नए नए आए थे, हमें आत्मा के अनुभव, हमने आत्मा की भरपूरी का अनुभव किया, हमने परमेश्वर के दान वरदान पाए। आप में से कुछ लोग अन्य भाषाओं में भी शायद बातें करते होंगे। हमने बहुत विजन्स देखे, ड्रीम्स देखे, स्वप्न और दर्शन देखे, और हमारी बहुत अच्छी शुरुआत हुई। फिर हमने फास्टिंग की, प्रेयर्स की, लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि जब हम दुआ में रहते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, तो हम उन अनुभवों को नहीं कर पाते जो अनुभव हमने स्टार्टिंग के डेज में किए थे। कुछ फीलिंग्स जो हमें स्टार्टिंग में हमें मिली थी, हम वो फील नहीं कर पाते, और हम शैतान की इस बात पर बिलीव करना शुरू करते हैं कि हम खुदा से बहुत दूर हो गए हैं, परमेश्वर अब मेरे साथ नहीं है, अब मुझे उसकी उपस्थिति महसूस नहीं होती। मैं आप में से हर एक को जो वचन मैंने पढ़ा, मैं आपके सामने एक बार फिर से एक अलग तरह से पढ़ता हूँ, और मैं जानता हूँ ये इस तरह बाइबल में नहीं है। जरा देखिए क्या यहाँ ऐसा लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हें महसूस होता रहूँगा। जी नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फीलिंग्स को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। बहुत बार हम जो महसूस करते हैं, हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। मैंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस सुने हैं लोगों के, जब
मैं चर्च में गया तो मेरे हेयर्स जो थे यहाँ के खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जब गया तो मैं गिर गया जोर से जाके। कभी कभी लोग कहते हैं कि मुझे बहुत हीट फील हुई, बहुत गर्म गर्म सा लगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे ठंडी पड़ी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है अगर आपके साथ ये हुआ तो, लेकिन आप इन्हें वचन के ऊपर मत खड़ा कीजिए। ये फीलिंग्स हैं, ये आज हैं कल नहीं होंगी, लेकिन सबसे बढ़कर बात क्या है? वचन। हम जाने कि कलाम में क्या लिखा है। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर मेरे पाप माफ हुए, मैं ये कैसे मान लूं? मैंने कहा क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि हम अपने गुनाहों को मान लें तो वो हमें माफ करेगा। आपका विश्वास आपके लॉजिक पर नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। लॉजिक इज गुड, कभी कभी कुछ चीजों को समझाने के लिए लॉजिक अच्छी बात है, लेकिन हर जगह लॉजिक फिट नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं आज। एक बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू अपना घर, अपना कुटुंब, अपना सब कुछ छोड़ और वहां चला जा जो देश मैं तुझे और तेरी संतान को दूंगा। इब्राहिम ने विश्वास करके वो वहां से निकला और वो उस देश में पहुंचा। लेकिन कुछ समय के बाद इब्राहिम को पता चला कि इस देश में अकाल है, यहाँ पर खाना नहीं है, यहाँ पर धरती अन्न नहीं देती क्योंकि पानी नहीं आता। और जानते हो उसने क्या किया? उसे ऐसा लगा, उसने महसूस किया, उसने फील किया। मैं जोर दे रहा हूं, उसने फील किया, उसने महसूस किया कि बिल्कुल पास वाले देश में रोटी है, और पास वाला देश था मिस्र। जैसे वो वहां पर जाता है उसे पता चलता है कि यहाँ के राजा जो अबीमेलेक हैं वो खूबसूरत औरतों को अपने पास रखते हैं और उनके पतियों के कत्ल करवा देते हैं, मार देते हैं। जब इब्राहिम को ये बात पता चली तो वो सारा को कहता है कि अगर वो तुझे पकड़ लेते हैं या बुलाते हैं तो तू कहना मैं तेरा भाई और तू मेरी बहन है। हम सब ये स्टोरी जानते हैं। और इब्राहिम ने उसे टीच किया कि तुझे झूठ कैसे बोलना है क्योंकि तेरे कारण मेरी जिंदगी बच जाएगी। और आप सभी जानते हैं ऐसा ही हुआ। उसके बाद आपने देखा कैसे इब्राहिम को वहां जाके झूठ बोलना पड़ा। और उसके बाद जब वो वहां से जा रहा था तो उसे कुछ चीजें मिली, कुछ दास दासियां मिले। मैं पर्सनली इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जब वो दास दासियां इब्राहिम के पास आई, उसी में एक दासी थी, उसका नाम था हाजरा, जिससे उसका पहला बेटा पैदा हुआ। ये बात अलग है कि परमेश्वर ने उस बेटे को स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी आप इस बात को नकार नहीं सकते कि वो उसी का बेटा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर इब्राहिम को इंटरव्यू लिया जाता उस टाइम पे और कहा जाता कि आप वहां क्यों गए, तो आपको जानते हैं क्या कहता? मुझे लगा, मुझे फील हुआ, मैंने महसूस किया कि रोटी वहां है, इसलिए मैं चला गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर बार आप जो फील कर रहे हैं, हर बार अपनी बुनियाद उस पर मत बनाएं। आपकी बुनियाद परमेश्वर का वचन होना चाहिए। बहुत बार जब आप दुआ में रहते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप चर्च जाते हैं और आपको कुछ फील नहीं होता, तो भी आपको ये बिलीव नहीं करना है कि खुदा ने सबको टच किया। मैं एक आंटी को जानता हूँ जिन्होंने मुझसे एक बहुत ही अजीब सवाल किया था। मैं एक मीटिंग में था और जैसे ही मैं लोगों के ऊपर प्रेयर कर रहा था हाथ रख के, मैं देख रहा था लोग गिर रहे थे और नीचे फॉल हो रहे थे, लेकिन जब मैंने उस आंटी पर हाथ रखा तो उसे कुछ नहीं हुआ। मीटिंग के बाद उन्होंने अपने पास्टर से कहा कि मुझे सूरज भाई से 2 मिनट बात करनी है। तब वो मेरे पास आई, मुझे कहती है क्या मुझ पे दुष्टात्मा है, क्या मैं बुरी हूं, खुदा ने मुझे क्यों टच नहीं किया, सब तो गिर रहे थे। सी, दिस इज अ प्रॉब्लम। जब हम इन अनुभवों को देखकर अगर हम ये सोचते हैं कि मैं कुछ फील कर रहा हूँ इसीलिए परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको इस बुनियाद को तोड़ने की ज़रूरत है। दुष्ट आत्मा के सामने अगर हम खड़े हैं और हम कहते हैं उसको यीशु के नाम से जा, हमें ये नहीं देखना है कि वो हिल रही है कि नहीं हिल रही है। वो हिल रही है मतलब उसमें से निकल रही है, नहीं हिल रही है तो मतलब उसके अंदर है। नो, आपका विश्वास वचन पर होना चाहिए कि अगर मैंने उसे कहा है जाने के लिए यीशु के नाम से, तो उसे जाना ही पड़ेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका विश्वास किस पर है? अपनी फीलिंग्स पर, अपनी भावनाओं पर, कि परमेश्वर के वचन पर जिसमें ये लिखा गया है उसका नाम रखना इमैनुअल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ।
क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं जिसमें लिखा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा? क्या आपने इस वचन पर विश्वास किया जिसमें लिखा है, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी फीलिंग्स को वचन के ऊपर जगह मत दीजिए। आप क्या फील कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या बिलीव कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह लोगों से मिलने के बाद उन्हें ये नहीं कहता था, जा जो तू फील कर रहा है वो तेरे साथ हो। नो, वो हमेशा कहते थे, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, चाहे आप कहाँ पर भी मुझसे देख रहे हैं, चाहे आप भारत में हैं या भारत से बाहर हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी का आधार बनाइए, फाउंडेशन बनाइए, उस पे खड़े हो जाइए। मत्ती 5:6-7 प्रचार करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वह जो मेरी बातों को सुनता है, मानता है, बुद्धिमान है वह जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। वचन एक चट्टान है, उस चट्टान पे खड़े हो जाइए। हमें कोई भी धक्का दे हम गिर जाएंगे, लेकिन चट्टान नहीं गिर सकती, क्योंकि वो चट्टान है, वो मसीह है। अगर हम उस पे खड़े हो जाएं तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसलिए नहीं बचेंगे क्योंकि हम मजबूत हैं, हम इसलिए बचेंगे क्योंकि हम उस चट्टान पे खड़े हैं जो मसीह है। आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? अगर आपके कभी कभी कलीसिया के अंदर वर्शिप के समय, वचन के समय, या बाइबल पढ़ते समय, या पर्सनल प्रेयर करते समय आप कुछ फील नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप फील नहीं कर रहे। आपको हमेशा उसके वचन पर विश्वास करना है, भरोसा करना है कि उसने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है, वो मिटाया नहीं जा सकता। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, पर मेरी कही हुई बातें उसने कहा कभी न टलेंगी। और उसी बातों में लिखा गया है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। और उसी ने कहा, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। दाऊद कहता है, मैं रविवार रविवार नहीं, मैं सदैव परमेश्वर को अपने दाहिने ओर देखता रहा, इसलिए मैंने डरा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वचन आपकी हेल्प करेगा प्रभु की उपस्थिति में जिंदगी जीने में। हमने इसे लगाकर एक आर्टिकल बनाया है। अगर आपको वो आर्टिकल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे, जिस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर है बड़े अक्षरों में, आप इस नंबर पे अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और आपको सिर्फ इतना लिखना है, परमेश्वर मेरे साथ है, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। मैं भरोसा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी, और अगर आपने कुछ सीखा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये बेसिक टीचिंग हम कंटिन्यू रखें तो भी आप हमें बता सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, आप सभी को जय मसीह की।